सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। सो कैसे हो आप? बहुत बढ़िया हो गए। तो आज के ब्लॉग में बहुत बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है आज। और इस वीडियो में आपको एक ऐसी चीज़ बताऊंगा मैं बाइक के बारे में, वो भी स्पेशली यामाहा R15V4 के बारे में, जो कि भाई तो आप लोग बोलोगे ना भाई एजेंसी से निकलवाया, सबसे पहले वो चीज़ चेंज करवाएं, जो चीज़ भाई ने आज अपनी बाइक में चेंज करवाने के बाद देखा। और मैंने खुद चलाया भाई, तो भाई मैं पहले रोहित भाई से बात मिलवाता हूँ आपको। ये रहे रोहित भाई और ये रही इनकी बाइक, जैसे आप लोग घर वाली देखते रहते हो। तो भाइयों, इस बाइक में और इस बाइक में एक चीज़ का डिफरेंट है जो कि बहुत रखता है, मायने रखता है ना। तो भाई मैं वो चीज़ आपको दिखा दूँ, सबसे पहले दिखाई देता हूँ। लो सामने देख रहे हो, ये चैन सेट दिख रहा है आपको, गोल्डन गोल्डन वी फोर में नहीं आता ये गोल्डन। तो ये भाई आफ्टर मार्केट लगवाया हुआ है, ये ड्यूक का है ना, ड्यूक का बता रहे थे। हाँ बता रहे थे कि ड्यूक का है ये। तो ये जो चैन सेट है ये देख लिया आपने, मेरे अपने ओरिजिनल वाला देखो, ये रहा ओरिजिनल, इतना छोटा लगता है ना ये और ये इतना बड़ा लगता है। तो भाई ये बताओ पहले कि जो आपने जब ये चैन चेंज करवाया कितने दिन हो गए? अभी दो तीन चार दिन हो गए। चार दिन हो गए ना, चार दिन में पावर का क्या पता लगा इससे? पावर का भाई पहले तो बिल्ली नहीं उड़ती थी इसमें, ठीक है। हाँ, तो अब नॉर्मली बिल्ली खड़ी कर दो कहीं भी खड़ी हो जाए, जो पिकअप की थी ना तो चैन करके ना थोड़ा सा मेरे को वो लगती थी कि पकड़ नहीं रही स्पीड ना। हाँ, तो जब से चैन डलाई ना स्पीड में, मतलब कि थोड़ा मुझे डिफरेंट बहुत ज्यादा पता लगा स्पीड में तो, खासकर। और बाकी कंट्रोल का आपको पता ही है बस। हाँ, बाकी इसमें सबसे मेन जो वो बात मैंने आपको बताई ना वो यही है कि इसका जो चैन सेट हमने चेंज करवाया ना, हम तो यामाहा का ही लगवाने गए थे वैसे, तो भाई कह रहे कि यामाहा का ही लगवाएंगे हम पर एजेंसी से, बट नहीं, हम आफ्टर मार्केट गए 21 सेक्टर चंडीगढ़ से, वहाँ से हमने डलवाया ये चैन सेट पूरा। तो हमें ये चैन सेट मिला गोल्डन कलर में, और ये चैन सेट देख सकते हो आप, उस चैन सेट से बड़ा है ये, देखो देख लो ना, ये साइज देख लो और ये साइज देख लो, मेरी बाइक का साइज देख लो आप, मेरी बाइक का चैन सेट देख लो, है ना। तो वो मेरे को ना बड़ा दिखता है, आप वीडियो में आपको शायद ही दिख रहा हो, लेकिन बड़ा दिख रहा था, बड़ा ही दिख रहा है ये पूरा, मतलब अलग ही लग रहा है। गोल्डन कलर में इसका चैन है और ब्लैक कलर में इसकी गरारी है। तो मैं तो स्टॉक वाले लगवाने गया था जो इसमें था। हाँ, कंपनी वाला। हाँ, बट वहाँ पे वो कह रहे हैं वो खत्म हो गया एट द टाइम, तो मैं कह रहा, उन्होंने कहा कि एक और पड़ा है गोल्डन है कर अच्छा है, तो मैं कहा गोल्डन, मैं सोचा कि और कोई से लगवाऊंगा कहीं प्रॉब्लम हो चलने चुलने में, तो मैंने उसे बोला चलो लगा ही दो, कोई ऑप्शन नहीं था उसके बाद, बाइक के खुलवा ली थी सारा कुछ, टायर टूर अलग पड़े थे भाई, तो उसके बाद मैंने कहा चलो लगा ही दो। उसके बाद जब लगवाया ना तो इसकी कॉस्ट कुछ अपनी है 2000 रुपये समथिंग है। हाँ, 2200-2200 रुपये लगते हैं टोटली कॉस्टिंग इसकी, और जो इसका ओरिजिनल आता है वो आई थिंक वो भी 2000 का ही है, 3000 का, 3000 का ना, 3000 वो 3000 का, ये 2000 का। और इसमें जो पावर मिलती है ना बाई गॉड भाई, मैंने चलाया भाई पावर, मतलब ये होता है कि भाई चैन पे ही ऐसा लग रहा कि पूरी बाइक टिकी हुई है चैन के ऊपर ही भाई, गोली गोली भाई, अब तो गोली हो रही है। अब पहले भाई क्या लगता था आपको कि क्या होता था चैन यार ना, पहले मतलब कि अलग सी पिकअप नहीं पकड़ती तुम्हें पता कि हाँ, जब भी तुम लगाते भगाते थे बाइक तो मेरी बाइक ना बहुत लेट स्पीड पकड़ती थी चैन करके। हाँ, अब वो सारी से चैन खत्म थी वो मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं जब से चैन डलाई ना भाई तब से बाइक मतलब कि दौड़ने में लगा लो या वैसे पावर मतलब विली वुली इजीली आराम से उड़ जाते भाई, आराम। हाँ, क्योंकि ना इसका जो गरारी है ना बड़ी है, गरारी बड़ी है, गरारी बड़ी होने की वजह से ना चैन है जो चैन भी बड़ा है, तो इसके वजह से ना पावर ज्यादा मिल जाता है टायर को, मतलब घुमाने के लिए पिछले वाले को, है ना, स्टॉपी वगैरह मारने या फिर बिल्ली वगैरह मारने के लिए, है ना। तो इसके वजह से ये चैन देख लो आप बड़ा साइज, और इसमें जो लगा हुआ छोटा साइज, हालांकि मेरी बाइक में एग्जॉस्ट वगैरह लगा हुआ है फिर भी भाई ये गोली की तरह जाती है फिर, क्योंकि चैन सेट जो इसका ना इतना बड़ा वाला और ये वाला डला। तो आप लोग भाई कभी भी चेंज करवाओ ना चैन सेट तो कंपनी से ना डलवाओ, कंपनी में आपको 3000 का मिलेगा, आफ्टर मार्केट ही आपको 2000 का मिल जाएगा, गोल्डन कलर में बोल देना आप मिल जाएगा कहीं भी दुकानों पे। तो और बाकी ये चैन का लुक भी खतरनाक आता है जब ये वॉश, अभी तो वॉश नहीं हुई है ना, चैन डला हुआ है, और जब ये वॉश होती है ना उसके बाद अलग ही इसका मतलब शाइन अलग ही आता है गोल्डन कलर का, है ना, गोल्डन से लुक अलग आती है बाइक में ना, बाकी ब्लैक ब्लैक लगता है। और जिस दिन ये लगा था ना, जिस दिन लगा था दिन अलग से ही चमक रहा था ये। हाँ, तो चैन अलग से चलती हुई बाइक में अलग से चैन दिखती है, वो ब्लैक है गोल्डन चैन है, तो एक लुक भी चेंज होती है बाइक की, थोड़ी सी लुक भी होती है, और एक अपना बेस्ट चीज है कि हाँ लगवाना चाहिए जो भी लगवाना चाहता भाई, मतलब कि मैं ये कहूँगा कि आप लोग सेम चीज डलवा रहे हो, ठीक है, मैं स्टॉक वाला ही डलवा रहा था, मैं चलो छोड़ यार क्या करना, जब भाई ने डाला तो भाई मतलब कि अभी तक मैंने जब चलाई है, बाकी महीने बाद रिजल्ट मैं बता दूंगा, इसलिए अभी 3-4 दिन हो गए कंटिन्यू चलाते हो, कम से कम लगा लो मैंने 100-200 किलोमीटर चलाई होगी, उसमें फर्क पता लग जाता है,
तो कोई अभी तक ऐसी प्रॉब्लम नहीं आई चैन सेट डलवाने के बाद, बाकी बढ़िया चल रही है अभी फिलहाल तो। हाँ तो भाई यही चीज कह रहा था, बाकी भाई मेरे भी बाइक का 10-11 हजार के करीब रन हो चुकी है, मेरे को भी लगता है चैन सेट मेरा भी जाने वाला ही है, तो मैं भी चैन सेट भाई यही डलवाऊंगा। बाकी भाई आप लोग सोचते हो कि भाई अच्छी डलवाते हैं दो चार दिन बाद रिव्यू कर देते, तो भाई ये आप लोगों के लिए ही करते हैं रिव्यू 2-4 दिन बाद, क्योंकि कोई भी चीज़ हो 2-4 दिन बाद उसका पता लग जाता है यार, ठीक है पता लग जाता, तो इसलिए मैंने ये रिव्यू किया आपको दिखाया कि आप लोग अगर V4 में जैसे आपको प्रॉब्लम आए चैन वगैरह की तो आफ्टर मार्केट डलवाओ, कंपनी से मत डलवाना, 3000 लगेंगे, 1000 रुपये सीधे बचेंगे, और बाइक में गारंटी देता हूँ भाई, गारंटी देता हूँ बाइक में ना पावर आपको फील होएगा कि हाँ भाई बाइक मेरी भाग रही है, क्योंकि चैन सेट से कुछ बहुत कुछ लेना देना होता है इंजन का भाई, चैन सेट से है ना, क्योंकि चैन सेट ने ही टायर को घुमाना है पिछले ने पिछले को, और जब पिछला टायर जितनी स्पीड से घूमेगा उतनी बाइक भागेगी है ना, तो यही चीज मैं आपको बता रहा हूँ कि इसका जो चैन सेट है ना खतरनाक अनलिमिटेड। हाँ गरारी दिखा रहा था मैं वही, ये चेक करना इसमें इसमें गैप दिख रहा है कितने गैप है, हाँ इसमें ये गैप है, ये गैप है, वो उस वाले में जाके देखेगा ना, उस वाले में दिखा दे। हाँ और ये गैप दिखाता हूँ मैं पहले, हाँ गैप गैप बात सही है, ये देखो गैप नहीं है इसमें, हल्के हल्के गैप हैं छोटे छोटे, और ये शायद होने चाहिए बल्कि छोटे छोटे हैं, और ये जो सबसे इसकी चीज मेन चीज़ है ना, इसकी जो ये साइज है ना नुकीली ये वाली, कैसे दिखाऊं, वेट करो यहाँ से देखो ये चीज़ दिख रही है ना आपको, ये चीज़ बहुत नुकीली है, जब ये नुकीली है ना तो ये चैन को सही से पकड़ती है, देखो बाहर तक निकल के आ रही है ना, ये देखो पूरी कैसे दिख रही है अंदर से, यहाँ से पास से देखो दिख रहा है ना, अब मैं अपनी में दिखाता हूँ ये चीज़, ये चेक करो, ये देखो नुकीली चीज़ है ना, कम है इसमें है ना, कम यहाँ से भी कम है, और उसमें बहुत ज़्यादा है, तो उसके वजह से जो जकड़ती है ना चैन को, वो चीज जो जकड़ता है ना चैन को घुमाने के लिए, वो चीज इसमें बहुत खतरनाक दे रखी है। सबसे बड़ी बात तो यार पता क्या, वीली बुली इजीली बच जाती है, जो बंदा वीली बुली मारता है ना उसे पता ही होगा भाई, देखो क्योंकि पावर चलती, मैंने और पहले भी बहुत बार वीली मारी बट उड़ती नहीं जल्दी, ये भाई की है, ये भी नहीं उड़ती, पहले जब चैन सेट जब उसमें ओल्ड वाला जो लगा हुआ था कंपनी वाला, तब मैंने वीली बुली ट्राई करी थी तो नहीं उड़ती थी, जब नवा डलाया ना उसके बाद भाई मैं कह रहा खड़ी करके मैं बस मेरे को आती थी नहीं बट उठा के वहां जाओ वहां तो पटकी दूंगा वहां तो ले। हाँ कल भाई ने बहुत ट्राई किया बिल्ली बथेरी, बहुत खतरनाक पड़ी, फिर भी वाली क्लिप डाल दो एक, हाँ एक भी एक एक क्लिप डाल दूंगा बिल्ली वाली, भाई पहले जो ये भाई हमारी बात को विश्वास करना कि पहले बाइक भाई नहीं उठ पाती थी हम, क्योंकि हम भाई हमने भाई इतनी बिल्ली वगैरह सीखी नहीं है, बट भाई कल जब परसों, हाँ परसों तरसों जब चैन डलवाई थी उसी दिन आते ही भाई यहाँ जब बिल्ली मारी भाई क्या उठ रही थी, और भाग भी बड़ी गोली की तरह रही थी भाई ये, बट इस करके थोड़ा सा मार खाता हूँ टायर मेरा अभी थोड़ा, हाँ तो टायर के वजह से थोड़ी दिक्कत आई थी क्योंकि टायर भाई का घिस चुका है, तो बस इसमें भी बहुत जल्दी टायर आ जाएगा अपने जैसा खतरनाक आएगा कि नहीं, और भी बहुत चीजें आएंगी भाई, अभी तो बहुत कुछ आएगा, एग्जॉस्ट वगैरह भाई कह रहे हैं डलवा देंगे। हाँ तो भाइयों यार भाई का भी चैनल है रोहित यादव ब्लॉग्स का, तो अगर भाई इनके चैनल पे जाके कमेंट करना है तो इनके चैनल पे कर दो, या भाई इसी वीडियो पे करना है इस पे कर देना, ठीक है इसी पे कर दो, कमेंट कर देना भाई, पांच ज्यादा नहीं, दो तीन ही कर दो, जाओ यार बहुत ज्यादा नहीं, दो तीन कमेंट ही चाहिए तो एग्जॉस्ट लग जाएगा, एग्जॉस्ट लगवा लेंगे लग जाएगा ना बिल्कुल, बाकी भाई पहले बाकी ये सीन ये रहेगा कि पहले हम कोशिश करेंगे कि टायर चेंज करवाएं, क्योंकि भाई टायर के ऊपर ही बाइक को चलना होता है, तो टायर में मेन होता है अपना, मेन है जो कंटिन्यू हम राइड रखते हैं अपनी, तो जिसकी ज्यादा नीड है तो टायर ही डलवाएंगे। बाकी भाई मैं बात कर रहा था आपको जो चैन सेट की, तो भाई विश्वास करके एक बार ये डलवा के देखना चैन सेट, आप मानोगे नहीं, आप बोलोगे कि भाई पूरा 2000 रुपया एक एक पैसा पूरा वसूल है इस चीज का। मैं भी भाई बहुत जल्द इसमें डलवाने वाला हूँ, मेरा चैन हालांकि अभी बहुत सही पड़ा है फिर भी मैं डलवा दूंगा, मुझे लग रहा है जहाँ तक नहीं, फिर मैं भी सोच रहा बहुत जल्द डल जाएगा अपने में चैन सेट जिसमें डल चुका है, तो भाइयों देख सकते हो आप लोगों को भाई एक ये जो सबसे मेन चीज बताई है मैंने भाई, जो भाई बिल्ली वगैरह मारता है ना उसके लिए तो भाई खास एकदम क्या बोलते हैं तोहफा है तोहफा, कि भाई आप लोगों से बिल्ली नहीं बसती ना, अगर जिस भाई से बिल्ली नहीं बसती V4 पे डरता है बिल्ली मार, मतलब पावर नहीं कंट्रोल हो पाती भाई, वो चैन सेट डलवा ले, गारंटी देता हूँ खड़े पैर मुंह पे मारेगा जो भी तुम्हें बोलेगा कि भाई तुझे बिल्ली नहीं आती ना, वहीं खड़ा के भाई उसके मुंह पे मारना जब चैन सेट ये डल जाएगा। मेरी बाइक भी उठती नहीं है भाई, मैं सही क्या बोलूँ झूठ क्या बोलूँ, मेरी बाइक नहीं उठती, ये उठ जाती है पूरी, ये नहीं उठ पाती,
क्यों? क्योंकि इसका भी चैन सेटअप गई है, 10,000-11,000 चलेगी, 1,000-2,000 और चल के खत्म है ये, है ना, क्योंकि ये भी 13,000 पे जवाब देगी पूरा। परसों तरसों डलवाया था ना आपने, अभी किलोमीटर में दिखाई देता हूँ, कला देख 13,400 है, तो 13,100 किलोमीटर था जब हमने ये चैन सेट डलवाया था। 100-200 लगा लो, नहीं हाँ, पर 200-300 किलोमीटर चला के आपको बता दिया चैन सेट में क्या पावर आती है, अलग ही भाई कसम से। इतनी मतलब आप ये समझ जाओ कि अंदर जो भगाने की भावना होती है ना, जो अंदर जुनून होता है बाइक भगाने का, वो यार बिल्कुल मजा आता है बाइक भगाने में। बाकी इस तो भाई मैं ये बता रहा था आपको चैन के बारे में, तो भाई बिना डाउट के, बिना कुछ सोचे समझे, अगर आप चैन सेट चेंज करवाना चाहते हो तो ये डलवा लेना, गोल्डन वाला, ठीक है। बाकी भाई मैं अपनी बाइक में डलवाऊंगा तो आपको वीडियो मिल जाएगी और सारा कुछ उसमें दिखा दूंगा, कौन सा चैन है, किस तरीके का, वो भी दिखा दूंगा, बहुत जल्द मेरी बाइक में भी डलने वाला है। बाकी भाई जिस बाइक को ये चैन डलवाना नहीं समझ में आ रहा तो कमेंट कर देना, मैं नाम बता दूंगा चैन सेट का पूछ के, जहाँ से मैंने डलवाया, ठीक है भाइयों। तो भाइयों जिस भाइयों को वीडियो पसंद आई हो लाइक करके शेयर कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करके जाना, क्योंकि भाई आगे आगे तबाही वाली वीडियो आने वाली है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।